इंटरनेट से इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को नृपेन का सादर प्रणाम। अभी रिसेंटली मैंने GSS इन्फोटेक के शेयर ख़रीदे थे और जब से मैंने उनके शेयर ख़रीदे हैं तब से मुझे रेगुलरली मैसेज आ रहे हैं लोगों के एक्सप्लेन करके देने के लिए कि मैंने GSS इन्फोटेक क्यों ख़रीदा। अब ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि लोगों को पता कैसे चला कि मैंने GSS इन्फोटेक के शेयर ख़रीदे, लेकिन जब से मैंने उसके शेयर ख़रीदे तब से मेरे YouTube ब्लॉग पे मैसेज आ रहे हैं, मेरे ब्लॉगर ब्लॉग के ऊपर मैसेज आ रहे हैं, Facebook पे से लोग मैसेज कर रहे हैं और सब कुछ जानना है कि मैंने GSS इन्फोटेक के शेयर क्यों ख़रीदे। तो बेसिकली हम ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं ताकि उन लोगों को जवाब दे सके जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैंने GSS इन्फोटेक क्यों ख़रीदा। इसके पहले कि मैं एक्सप्लेन करके दूँ कि मैं GSS इन्फोटेक क्यों ख़रीदा, आपका ये बात जानना ज़रूरी है कि मैं एक से भी ऑथराइज्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आप जो कुछ भी इस वीडियो में सुनेंगे उसे एज पर्सनल ओपिनियन ही लीजिए। अगर आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीज़न लेना है तो किसी से भी ऑथराइज्ड रिसर्च एनालिस्ट से ही लीजिए। तो जब भी मैं स्टॉक ढूंढता हूँ तो मैं 52 वीक हाई बनाने वाले स्टॉक की लिस्ट देखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए होते हैं जो 52 वीक हाई बना रहे हो उसके इकोनॉमिक ट्रिगर के वजह से। तो हुआ ऐसा कि GSS ने 2018 में 52 वीक हाई बनाया और वो अपने 52 वीक हाई के पास ही क्लोज हुआ। यूजुअली जब भी कोई स्टॉक अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करके अपने 52 वीक हाई के पास क्लोज होता है तो इसका यूजुअली यही मतलब होता है कि जो 52 वीक हाई है वो इकोनॉमिक ट्रिगर के वजह से बना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैं उसकी बैलेंस शीट देखी और इनकम स्टेटमेंट देखा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट पूरा बिगड़ा हुआ है, नेटवर्थ पूरा आड़ा टेढ़ा है, उसी तरह नेट सेल्स स्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये बात साफ हो जाती थी कि GSS इन्फोटेक एक टर्न अराउंड सिचुएशन वाला स्टॉक है। तो जब भी मैं टर्न अराउंड स्टॉक देखता हूँ तो बेसिकली मेरा ध्यान होता है कि उसके क्वार्टरली नंबर्स क्या है। यहाँ पर आप उसके क्वार्टरली नंबर देख सकते हैं। तो क्वार्टरली नंबर्स में भी मेरा मेन जो ध्यान होता है वो होता है नेट प्रॉफिट के ऊपर में। अब इसमें सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि सबसे पहले जो रिसेंट के दो क्वार्टर्स है उसमें प्रॉफिट होना चाहिए और दोनों में से एक आधे क्वार्टर में लास्ट तीन चार क्वार्टर जो भी पॉजिटिव क्वार्टर्स है अगर हम उनको ऐड कर दें तो जो भी रिज़ल्ट निकले वो इससे छोटा हो। इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये पीछे वाले क्वार्टर्स है सितंबर दिसंबर 16 के, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है ये है 1.14, 0.03, 0.89 और 0.08। अगर हम इन सबको मिला भी दें तो जो करंट का जो आप ये देख रहे हैं नेट प्रॉफिट वो उनके एडिशन से बड़ा ही होगा। तो ये हमारी सबसे पहले कंडीशन होती है ये देखने के लिए कि टर्न अराउंड जो हो रहा है उसके कितने चांसेस है सक्सेसफुली टर्न अराउंड करने के। अब दूसरी चीज़ जो हमको ये देखने की है कि अगर ये जो 52 वीक हाई है वो इकोनॉमिक ट्रिगर की वजह से बना है तो मार्केट में GSS इन्फोटेक के प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है। अब GSS इन्फोटेक किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है तो उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़्यादा करके इन्फॉर्मेशन रिसर्च एनालिसिस मैनेजमेंट और सिक्योरिटी सिस्टम और सर्विसेज टाइप के हैं। और अगर ऐसा है तो इसी टाइप के सर्विसेज की डिमांड किसी और बिजनेस में भी दिखनी चाहिए। तो जो हमारा दूसरा बिजनेस था जो इसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करवाता था वो था हमारा फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, और आप जैसा कि आप देख सकते हैं इसने भी ठीक उसी समय के करीब करीब अपना 52 वीक हाई बनाया और ये क्लोज हुआ। तो ये हमारे लिए एविडेंस था इस बात का कि इकोनॉमिक ट्रिगर आ गया है। अब इकोनॉमिक ट्रिगर होता क्या है? इकोनॉमिक ट्रिगर यूजुअली एक बिजनेस के लिए कोई इवेंट होता है जिससे बिजनेस अपने इकोनॉमिक साइकिल के ग्रोथ स्टेज में एंटर करता है। जब भी कोई बिजनेस अपने इकोनॉमिक साइकिल के ग्रोथ फेज में एंटर करता है तो उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केट में डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन रिसर्च एनालिसिस मैनेजमेंट
और सिक्योरिटी वाली जो भी सर्विसेज है उसकी एट प्रेजेंट मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। और ये जो दो बिजनेस है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन और जीएसएस इन्फोटेक, करंट में मैक्सिमम इस तरह की सर्विस यही बिजनेस प्रोवाइड करवाते हैं। और क्योंकि इन सर्विसेज की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, ये लोग अपने इकोनॉमिक ट्रिगर से अपने ग्रोथ फेज़ में एंटर कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ऐसी थी कि मार्च के नंबर आए नहीं थे, जो भी हमारा जो इकोनॉमिक ट्रिगर था वो फरवरी में जनरेट हुआ था, इसलिए इसको मैंने फरवरी में परचेस नहीं किया। मैंने वेट किया कि मार्च के नंबर आए, और जब मार्च के नंबर आए उसी के बाद मैंने इसको बाय करने का डिसीज़न लिया। तो बाय करने के लिए सबसे पहले मैं गया इसके वीकली चार्ट पे, और मैंने आपको बताया था विजय केडिया वाले वीडियो में कि जब भी इकोनॉमिक ट्रिगर की वजह से 52-week हाई बनता है तो स्टैंडर्ड 30-50 क्रॉस के ऊपर में एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। तो हम वेरीफाई करने के लिए 30-50 क्रॉस यहाँ डालेंगे, ये रहा 30, ये रहा 50, और दोनों के दोनों एक्सपोनेंशियल होने चाहिए। तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल पे शिफ्ट करेंगे, ऐड किया, और जैसे कि आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड बुलिश क्रॉस और उसके बाद एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस ब्रेक। तो टेक्निकली भी हम ऐसा कह सकते हैं कि जीएसएस इन्फोटेक अपने इकोनॉमिक ट्रिगर के वजह से अपने ग्रोथ फेज़ में एंटर कर चुका है। तो जब मैंने बाय किया तो इस रेजिस्टेंस के ब्रेक करने के बाद मैंने इसको बाय किया, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट समथिंग पे मैंने उसको बाय किया, और इस पे हमारा करंट वाला जो स्टॉप लॉस है वो है 50 रुपीज़ का। सिमिलरली मैंने फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के लिए भी बाय करने को डिसीज़न लिया, करंट में ये भी अपने इकोनॉमिक ट्रिगर के ऊपर में है और इसके ऊपर फ़िलहाल बाइंग पोजीशन डेवलप नहीं हुई है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सिचुएशन वैसे ही है, यहाँ पर भी आपको स्टैंडर्ड बुलिश क्रॉस मिला और उसके बाद एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस ब्रेक। यूजुअली आप देखेंगे तो आपको जितने भी स्टॉक मेरे लिस्ट में दिखेंगे वो इस क्राइटेरिया को मैच करेंगे। अपना स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए मैं रोज़ 52-week हाई बनाने वाले स्टॉक देखता हूँ, ताकि मुझे एक पोटेंशियल स्टॉक मिल सके जो अपने इकोनॉमिक साइकिल में एंटर कर सकते हैं। तो ये जो मेरी बाय लिस्ट है जिसे आप देख रहे हैं, इसमें यूजुअली वो स्टॉक है जो पोटेंशियल रखते हैं इकोनॉमिक ट्रिगर के वजह से अपने ग्रोथ साइकिल में एंटर करने का, इसलिए ये सारे इस लिस्ट में हैं। और जो बेस वन और बेस टू में जो आप स्टॉक देख रहे हैं, ये वो स्टॉक्स हैं जो अपने इकोनॉमिक ट्रिगर में एंटर कर चुके हैं, और करंट ने मैं वेट कर रहा हूँ कि इनके ऊपर मैं टेक्निकली मैं एंट्री कैसे लूँ करके। महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसको आप देख रहे हैं, इसका भी इकोनॉमिक ट्रिगर जनरेट हुआ है, और वैसे ही जनरेट हुआ है जैसे देखिए जैसे बाकी इकोनॉमिक साइकिल्स का होता है, स्टैंडर्ड बुलिश क्रॉस, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस ब्रेक। मंडे के दिन मैं इसको बाय करूँगा, तो मंडे के पहले मैं ये वीडियो चढ़ाने नहीं वाला नेट के ऊपर में। करंट में जो हमारी तारीख है वो है 3 जून 2018, तो आप इस वीडियो को 5 या 6 जून को ही अपलोड करूँगा, क्योंकि उसके पहले मैं इसके ऊपर मैं बाइंग करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जस्ट मैं कोई स्टॉक बाय कर रहा हूँ इसलिए आप स्टॉक बाय मत कीजिए, अपना रिसर्च कीजिए। मेरा रिसर्च इस स्टॉक के पीछे हो चुका है इसलिए मैं इसको बाय करूँगा। और एक बात ध्यान में रखिए, मैं जब भी कोई स्टॉक बाय करता हूँ तो वो 52-week हाई के ऊपर ही बाय करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये 52-week हाई पे ही बाय कर रहा हूँ, तो इसके साथ में मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है। अगर आपके पास नहीं होगी और आप कॉपी करने जाएंगे तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। यूजुअली आपको बगैर आपके रिसर्च के कोई भी स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए, खासकर इसलिए तो बिल्कुल ही नहीं क्योंकि किसी और ने बाय किया है। 52-week हाई की लिस्ट में से मैं यहाँ स्टॉक डालता हूँ, और जिनमें इकोनॉमिक ट्रिगर डेवलप हो गया है उनको मैं यहाँ से बाय करता हूँ। बेस वन यूजुअली ऐसे स्टॉक है जो अपनी इकोनॉमिक ट्रिगर में एंटर कर चुके हैं और टेक्निकली उनके ऊपर रिस्क काफ़ी कम है, जैसे कि ये स्मॉल रिस्क है और यहाँ पे अबाउ स्मॉल रिस्क है जो भी बेस टू में स्टॉक है वो। स्टॉक ढूंढने के लिए यूजुअली मैं इन वेबसाइट्स का इस्तेमाल करता हूँ। महीने के आखिर में मैं ट्रेंड समरी उठाता हूँ इस वेबसाइट पे से, और रोज़ाना के लिए जो 52-week हाई पे से स्टॉक ढूंढने होते हैं वो मैं यहाँ से ढूंढता हूँ। तो एक्चुअली एनालिसिस में ज़्यादा कुछ भी नहीं था। जब जीएसएस के एनालिसिस में सबसे पहले हुआ ऐसा कि मैंने देखा कि इसका इकोनॉमिक ट्रिगर
आ गया है जो मुझे पता चला इस वजह से, क्योंकि इसने 52 वीक हाई बनाया, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस तोड़ा और अपने 52 वीक के करीब ही क्लोज़ हुआ। इसके बाद मेरा ये गोल था देखने का, ये जानने का कि सच में इकोनॉमिक ट्रिगर हुआ भी है या नहीं, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है इसके सक्सेसफुली टर्न अराउंड करने के लिए। उसके लिए मैंने इसका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखा, और क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखते समय इस बात का ध्यान रखा कि इसके पहले के जितने पॉजिटिव 3-4 प्रॉफिट है उनका एडिशन करने के बाद मुझे जो करंट के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो उससे ज़्यादा दिखने चाहिए। और आखिरी चीज़ वही थी, इसके वीकली इस पे गया चार्ट पे, 30-50 EMA फिल्टर लगाया और बाइंग पोजीशन ली पहले रेजिस्टेंस ब्रेक के ऊपर में। तो इतना ही एनालिसिस था GSS के ऊपर में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये किस तरह का एनालिसिस है, तो यूजुअली इस तरह के एनालिसिस को हम सिस्टम एनालिसिस कहते हैं। मैं एक्सक्लूसिवली फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता, मुझे सिस्टम एनालिसिस ही ज़्यादा पसंद है। मैं बुक्स भी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ सिस्टम एनालिस्ट की। सिस्टम इन्वेस्टिंग में हम लोग एक्सक्लूसिवली फंडामेंटल या टेक्निकल्स नहीं देखते, हम मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान देते हैं, बिहेवियर फाइनेंस भी देखते हैं उसके अंदर में, और टेक्नो फंडामेंटल्स का इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्टिंग करते समय। मैं यूजुअली इकोनॉमिक साइकिल को देखते हुए जो 52 वीक हाई बनता है उस पर इन्वेस्ट करता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत तो भी बिहेवियर फाइनेंस आना ज़रूरी है और सप्लाई डिमांड लेवल्स की जानकारी होना ज़रूरी है। जो आपने देखा अभी फ़िलहाल में कि मैंने बाइंग पोजीशन जैसे बनाई, वो इसी हिसाब से बनाई कि सप्लाई डिमांड किस तरह काम करते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके दे नहीं सकता कि इस जगह पे सप्लाई डिमांड कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी स्टडी है। फिर भी अगर आप मेरा इन्वेस्टिंग मेथड सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे में यूडेमी लिंक है, उस पर आप जाके मेरे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। और अगर आपको बुक्स लेनी है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा हाउ टू प्रॉफिट इन बुल एंड बियर मार्केट बाय स्टैन विंस्टन, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बाय विलियम ओनील, और ट्रेड लाइक ए चैम्पियन बाय मार्क मिनर्विनर। तीनों किताबें खरीदिए, तभी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि तीनों की तीनों किताबें अच्छे खासे सिस्टम इन्वेस्टिंग के ऊपर में है। आपको समझ में आएगा कि सिस्टम इन्वेस्टिंग कैसी होती है अगर आप तीनों किताबें पढ़ेंगे तो। उसी के साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो।